बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा सेटअप आईफोन वर्सेस सोनी A6400। ये तो वैसे बड़ा अच्छा सा थंबनेल भी बन सकता है। यार आप में से बहुत से लोग अक्सर इक्विपमेंट के बारे में मुझसे सवाल करते रहते हैं, व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा सेटअप कौन सा है। आओ ज़रा बैठ के बातें करते हैं। यार मैंने हमेशा व्लॉगिंग की अपने फ़ोन से, और अभी आके मैं कैमरा पे मैंने स्विच किया। और मैं बताता हूँ कि मैंने जब YouTube शुरू किया था तब मेरे पास iPhone 10 था, और नहीं तब मेरे पास 7 प्लस था। मैंने 7 प्लस पे जो मेरे पास फ़ोन था उसी पे मैंने सारा शुरू किया और वो वीडियोस बनाता गया। फिर मैंने सोचा कि 100K पे जाके कैमरा ले लूँगा। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ माइलस्टोन्स अपने फ़ोन पे ही अचीव करने हैं, ताकि इक्विपमेंट का कोई इतना खास बहुत बड़ी गेम नहीं। और मैं अभी भी मानता हूँ कि आपको कोई लाखों रुपए का इक्विपमेंट नहीं चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए। सही है, आपको व्लॉगिंग के लिए सिर्फ टैलेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। तो मैंने अपने फ़ोन पे शुरू किया, फ़ोन पे करता गया 100K हो गया। फिर सोचा कि अभी लेता हूँ, करते कराते 200K हो गए। 100K से 200K बहुत कम टाइम में हुए थे, 200K हो गए। उसके बाद 250 तक पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 प्लस के बाद X ले लिया था, मैं X पे करने लग गया था। फिर मैंने ये XS मैक्स ले लिया था, तो XS मैक्स पे मैं कर रहा था बड़े अरसे से, तकरीबन पिछले कोई 5-6 महीने से इस पे कर रहा था मैं व्लॉगिंग। और जो मज़ा मुझे ये भी यार यहाँ गर्मी है, मुझे अंदर चलते हैं आओ। जब मैं iPhone 10 पे व्लॉगिंग कर रहा था तो तब मुझे फील होता था कि यार रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और मुझे ज़रूरत नहीं है कैमरा की। और अक्सर बहुत से कमेंट्स इस तरह के होते थे कि तुम इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करते हो कि तुम्हारा कैमरा का रिज़ल्ट इतना मज़े का निकलता है, ये वो। तो वो iPhone 10 था और कुछ उसमें ब्राइटनेस कंट्रोल का कमाल था और उसमें मेरा कुछ खास कमाल नहीं था। फिर जब मैंने लिया iPhone XS Max तो इसके कैमरा को यूज़ करते करते मुझे समझ आनी शुरू हुई कि iPhone अपनी थोड़ी सी गेम गिरा चुका है रियलिटी के मामले में। कैमरा अभी भी iPhone का बहुत क्लासी है, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। आपको अगर ख़ुद को खूबसूरत दिखाना है तो iPhone अब वो हरकतें करने लग गया है जो कि iPhone 10 तक नहीं होती थी। ये जितनी रियलिटी पॉसिबल थी iPhone उतनी रियलिटी दिखाता था, लेकिन अब इसके अंदर उन्होंने थोड़े ब्यूटी इफेक्ट्स टाइप चीज़ें डाली हैं जिसकी वजह से ये रियलिटी से थोड़ा दूर जाने लग गया इसका कैमरा। तो फिर मुझे मजबूरन स्विच होना पड़ा अपने इस कैमरे पे, ये सोनी A6400। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अब, लेकिन कैमरा तो मेरा सामने लगा हुआ है तो अच्छा ऐसी बात नहीं है भाई, आईफोन अभी भी अपना बहुत साथ देता है। खैर ये जी सोनी A6400। ओ यार इसको तो अभी सिग्मा लगा हुआ है, एक मिनट इसका लेंस चेंज करते हैं। हाँ तो ये अब किट लेंस है, और किट लेंस ये आप साइज चेक कर सकते हैं इसका। मैं इसकी स्क्रीन बंद करके आप चेक करवाता हूँ। ये कैमरा का टोटल साइज सिर्फ ये है, इसको ऐसे पकड़ लो, इसको मतलब ये इतना साइज है कि अगर मैं माइक इसका उतार दूँ तो मैं इसको जेब में भी डाल सकता हूँ। और ये सोनी A60 सीरीज का सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से A6600 आया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्राइस में बहुत ऊपर निकल जाता है, तो उससे अच्छा उसके आप फिर ऊपर वाली ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। तो A6400 की सबसे मजे की कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने ये कैमरा लिया और जिसकी वजह से ये मुझे बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप लगा, ये सोनी A6400 विद बेस्ट सिग्मा 16 1.4। ये दुनिया के बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा सेटअप्स के अंदर आता है। इसका ये मजा है कि मैं शुरू से आईफोन पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ जिस तरह भी कर रहा हूँ, और मैं करता भी फ्रंट कैमरा से हूँ, बैक से नहीं करता। तो मुझे A6400 की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये कैम मैंने इसकी स्क्रीन पकड़ी, ठीक है, और ये इसकी स्क्रीन फ्लिप, और उसके बाद इस स्क्रीन के अंदर मैं खुद को सामने से ऐसे देख सकता हूँ इसके ऊपर। मतलब अगर मैं किसी टाइम ऐसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने कैमरा को ऐसे पकड़ा होता है मैंने, और ऐसे पकड़ के मैं इसके अंदर मैं खुद को सामने स्क्रीन में देख रहा होता हूँ, तो मुझे साफ पता लग रहा होता है कि मेरे सिम क्या फ्रेम आ रहा है, जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो बीच में नजर आ भी रही है या नहीं नजर आ रही। और ये ऊपर मैंने रोड वीडियो माइक्रो लगाया हुआ है, अभी माइक अपग्रेड करूंगा। ये सिर्फ बिगनर्स माइक है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, मेरी सब वीडियोज में आवाज इसी की होती है। सोनी A6400 का ये सीन है कि आप अकेली बॉडी भी ले सकते हैं, अकेली बॉडी इसके दो पैकिंग्स आती हैं सोनी की तरफ से। अकेली बॉडी मतलब कि आपको लेंस नहीं मिलेगा, ये इस चीज को वाइप कर दो और सिर्फ इतनी आपको बॉडी मिलेगी कैमरा की बॉडी। ये तब आपके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, आपको किट लेंस नहीं चाहिए, आप कोई और लेंस लेना चाह रहे हैं तो फिर ये बेस्ट है कि आप सिर्फ बॉडी लें और साथ में कोई भी लेंस लें। दूसरी पैकिंग सोनी की आती है कि आप बॉडी ले लें और साथ में किट लेंस ले लें। तो मैंने मुझे जो ऑप्शन मुझे मजे का लग रहा था, मैंने कहा मुझे किट लेंस चाहिए, क्योंकि मेरी एक आदत है और मेरी आदत यह है कि मैं व्लॉगिंग के टाइम ऐसे करता रहता हूँ, जूम इन जूम आउट। तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने किट लेंस के साथ लिया। और साथ में मैंने लिया सिग्मा 16 1.4।
और ये कोई बम किस्म का लेंस है। मतलब ये लेंस ऐसा फील करवाता है कि जिस तरह आप रुको इसकी तरफ बाद में आते हैं, अभी आपका वे लगाएगा विद किट लेंस। ठीक है, वेलकम टू द सोनी वर्ल्ड, सोनी A6400 विद सोनी किट लेंस। और अभी आपने डिफरेंस आपके सामने होगा, अभी मैं लगाऊंगा सिग्मा। जो सोनी किट लेंस है ये 1650 मतलब ये जितना वाइड एंगल इस टाइम है ये 16 है और ये इस टाइम 50 है। ठीक है, तो 1650 ये मतलब अभी हम लगाते हैं इस पे। सिग्मा सिर्फ 16 है, इसमें आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम लेंस इसमें नहीं होता और ये जूम लेंस है तो इनमें होता है, क्योंकि जिसमें 16 और 50 आ रहा है तो मतलब ऐसे घूमेगा, जिसमें सिर्फ 16 आ रहा है तो मतलब नहीं घूमेगा। स्विच टू सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 16 1.4। अब ये वाइड उतना ही है क्योंकि 16 है, सेम वो भी 16 था तो वाइड इनका चेंज नहीं होगा। और सिग्मा इज दी बॉम्ब लेंस, मतलब सिग्मा की शार्पनेस, सिग्मा की रियलिटी, सिग्मा उतनी रियलिटी दिखाता है जितनी आपको एक हम नॉर्मली किसी चीज़ की देख रहे होते हैं। और ये है 1.4 मतलब मेरे पीछे सारा बैकग्राउंड आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल इस तरह पास करूँगा तो आपका बैकग्राउंड और ब्लर होता जाएगा। और ये रियलिटी मतलब किसी भी कोई भी सिचुएशन है सिग्मा पे, ये अपनी रियलिटी को अपनी शार्पनेस को नहीं छोड़ता, तो ये लेंस इसलिए बहुत बहुत मस्त किस्म का लेंस है। लेकिन ओह सीरी को लगा कि मैंने उसको बुलाया, मस्त बोला सीरी नहीं बोला। लेकिन दुनिया में हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, जो कि इसके भी हैं, जो कि इसके भी हैं, जो कि इसके भी हैं। मैं सिग्मा की मोहब्बत में घिरा हुआ हूँ लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसमें सिग्मा का कसूर नहीं है। अगर कोई ये सेटअप वाला बंदा ये मेरी बात सुनेगा तो वो मुझे इस टाइम गालियाँ निकाल रहा होता, मैं वजह बता देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने पहले बताया मुझे इससे बहुत मोहब्बत है इस लेंस से, कि बहुत कमाल लेंस है ये। लेकिन मेरा काम है फूड वाला, जो सोनी A6400 कैमरा है इसके अंदर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है और सिग्मा के अंदर भी नहीं है, तो जब मैं इसको इस तरह कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग कर रहे होते हो तो ये आपको थोड़ी शेकी फुटेज दिखाता है। अगर तो ये सिग्मा और ये सेटअप तब बहुत बहुत अच्छा है कि अगर तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फुटेज शेकी है या फिर आपने बैठ के जिस तरह मैंने कैमरा सेट कर दिया अब मैं बातें करी जा रहा हूँ तो अब ये परफेक्ट है। दूसरी वजह ये है कि मैं फूड वीडियोज़ जब बनाता हूँ तो मेरा मेन तो ये सेटअप उसी के लिए था, लेकिन उसमें सब कुछ बहुत क्विक हो रहा होता है, कैमरा पास लेके जाना है, कैमरा दूर लेके आना है, फिर इस तरह करना है, तो सिग्मा उसको थोड़ा सा टाइम लगाता है फोकस करने में। और अगर मैं किसी चीज़ की बहुत पास लेके जा रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, मैं सिग्मा को यहाँ ले आया, ये इतनी सी जगह को कर लेगा, और अगर मैं मैनुअल पे करूँगा तो उसमें लाइट के इश्यूज़ और इस तरह के इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो इसलिए मुझे फूड वीडियोज़ में फ़िलहाल सिग्मा ने बहुत मज़ा करवाया लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं करवाया। तो इसलिए मैं आजकल अपना ये लेंस यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं लूँगा सोनी का एक बड़ा मज़े का लेंस है 1250 मतलब मेरा ख्याल है कि 1250 ही है, और 1250 मतलब 12 वाइड एंगल, ये 16 है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, और उसी लेंस में अगर मैं खड़ा हूँगा तो वो ये वाली सारी जगह भी आपको दिखा रहा होगा साइडों वाली, और 50 मतलब उसको मैं फुल जूम मारूंगा क्योंकि मेरा शौक है जूम लेंसेज का, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाते हुए इस तरह करना भाई, जूम इन जूम आउट। अभी देखो इस लेंस में मैं नहीं कर सकता, अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। आईफोन है और आईफोन की स्टेबलाइजेशन, इन बॉडी स्टेबलाइजेशन इज लाइक क्रेजी कमाल, बहुत मजे की है कि आप इसको अगर मैं इस तरह घूम रहा हूँ तो आपको लगेगा बड़ा स्मूथ कैमरा इस तरह साथ साथ घूम रहा है, तो इसमें आपको कोई फर्क मतलब कोई इस तरह शेकी फुटेज नहीं नजर आएगी कि देखने में आपको थोड़ा वेयर्ड नहीं लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, अभी ये इस सीढ़ी के स्टेप पे रख के वहाँ से गुजर के इधर से वापिस आऊँगा तो इसमें मेरे काफ़ी हलचल होगी, तो इसमें देखते हैं दोनों आईफोन का सोनी किट लेंस के साथ A6400 का और सिग्मा के साथ अभी चेक करते हैं कि कौन सी फुटेज आपने मुझे बताना है कि कौन सी फुटेज आपको बहुत ज़्यादा शेकी लगी। नहीं A6400 विद सोनी OSS किट लेंस, OSS बोले तो इस लेंस के अंदर स्टेबिलिटी है तो ये आपको थोड़ा स्मूथ दिखाएगा। ये आपने डिफरेंस, मुझे तो पता है डिफरेंस, आपने डिफरेंस ऑडियंस डिफरेंस चेक करते हैं आप आज कि आपको कैसा लगता है कि इसकी फुटेज कैसी है एज़ कम्पेयर टू आईफोन, या नहीं यार आईफोन के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। खैर फाइनली सोनी A6400 विद सिग्मा 16 1.4, अब इसकी आपने खुद ये चेक करना है कि ये थोड़ी सी आपको इतना ख़ास नहीं लेकिन थोड़ा फील करने पे फील होगा कि फुटेज हल्की सी शेकी नज़र आएगी, ऐसे कि मैं चलता फिरता अगर बात कर रहा हूँ तो हल्की हल्की फुटेज ऐसे
कड़क 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 थोड़ा सा कर रही होगी, लेकिन ये मेरे हाथ पे, अगर मैं हाथ को बहुत स्टिल करके चलाऊंगा तो फिर ये ठीक रह सकता है। नाउ लेट मी टेल यू द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। कोई एक्सपर्ट विक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं अपने ये 2.5-3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। शुरू के 2 साल किया आईफोन से। आईफोन का सबसे बड़ा मज़ा क्या होता है कि आईफोन को सबसे पहले तो आप इस तरह अपनी ये जेब में डाल लिया, ठीक है, इस तरह जेब से निकाल लिया, कहीं भी जा रहे हो कोई मसला नहीं, जहाँ मर्जी फिरो, जहाँ दिल करता है ना कि आपने व्लॉगिंग करनी है, ये ऐसे कैमरा, मेरी तो आदत बनी हुई थी, मैं जेब से निकालता ही ऐसे था, ऐसे पकड़ा ये कैमरा, दबाया, ठीक है, वीडियो पे गए, इसको मूव किया, ये रिकॉर्डिंग ऑन है और अब मैं जो मर्जी बातें करूँ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है। इस टाइम फिर रहे जी पुरानी अनारकली में छोले खाने आए, तो ये देखो मैंने इस तरह कैमरा पकड़ा और मैं इसको कहीं भी कुछ भी बोलता फिर रहा हूँ, नीचे कर लिया इसको, मैंने स्क्रीन इसकी मोड़ी, फूड के शॉट्स लिए, तो ये बहुत ईजी सीन है, मतलब जितना ईजी आप सोच सकते हो आईफोन के साथ या कोई भी फ़ोन है, मैं सिर्फ आईफोन की बात नहीं कर रहा, कोई भी फ़ोन है को इसको कैरी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आ जाता है ये सिग्मा सोनी वगैरह, तो फिर भाई इसके अंदर थोड़े से इश्यूज तो आने शुरू हो जाते हैं। इसको मैंने ऐसे पकड़ना है, इतने बड़े कैमरा को, और तो मैंने ऐसे इसके साथ बात करनी है, इतने बड़े लेंस और इतने बड़े कैमरा के साथ, तो इसमें थोड़ा सा फिर आपको कैरी करने में इशू होना शुरू हो जाता है जब आपने इस तरह के बड़े लेंसेज लगाए होते हैं। व्लॉगिंग में मेरा मानना है कि भाई आपका जब माइंड बहुत रिलैक्स होना, मैंने अक्सर ब्लैक टी शर्ट्स वगैरह ये चीज़ें इसीलिए पहनी होती हैं कि मुझे व्लॉगिंग के टाइम पर बिल्कुल मेंटली रिलैक्स रहना होता है। तो अगर आप इसी टेंशन में लग रहे हो कि भाई मेरा कैमरा ना गिर जाए, भाई इतना हैवी ना हो जाए, भाई वो ना हो जाए, भाई वो ना हो जाए, तो मेंटली रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं फ़िलहाल अगर सिंपल व्लॉगिंग कर रहा हूँ रैंडमली तो मैं इसको लगाता हूँ, और अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जिसमें मुझे क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तब मैं जाके सिग्मा लगाता हूँ। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ लो लाइट कंपेरिजन ऑफ आईफोन XS मैक्स सिग्मा और सोनी किट लेंस। अभी बाहर पैकिंग दरवाजे में ना आ जी, अभी भाई ये पूरी रात है और इस टाइम में आपको इन ये जो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत लाइटें लगी हुई हैं, इन लाइट्स के मुताबिक लो लाइट कंपैरिजन करते हैं, इस ट्राइपॉड पे लगा के। आईफोन की लो लाइट बड़ी मस्त है, ये हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली दिखा देता है। जो आईफोन 10 था इससे पिछला, उसके अंदर लो लाइट कम थी लेकिन वो क्लैरिटी बहुत दिखाता था, इसके अंदर लो लाइट डाली और क्लैरिटी इस टाइम पे, मतलब जब लो लाइट करता है तो क्लैरिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसके बाद जो 11 प्रो 11 प्रो मैक्स जो आए हैं, इनके अंदर लो लाइट और ज्यादा बढ़ा दी है, मतलब क्रेजी लो लाइट है, लेकिन जैसे जैसे फोन कैमरे की लो लाइट बढ़ती है उसकी जो क्लैरिटी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी आईफोन की लो लाइट इज मस्त। सोनी किट लेंस लो लाइट बड़ी मज़े की है, और जैसा मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ वैसा ही मुझे तकरीबन वैसा, एक्चुअल आँख जैसा कुछ नज़र आ ही नहीं सकता, वैसा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। सिग्मा 16 1.4 द बॉस ऑफ लो लाइट। सिग्मा के मज़े बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिस तरह से अगर आईफोन है वो लो लाइट अप करेगा तो आपकी जो क्लैरिटी है उसको डाउन कर देगा, किट लेंस है वो लो लाइट अच्छी करता है और क्लैरिटी भी ठीक रखता है, लेकिन जो सिग्मा है ये लो लाइट जितनी मर्जी ऊपर ले जाए भाई, लेकिन ये क्लैरिटी पे और शार्पनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इतना किसी भी आप लाइट में बैठे हो वहाँ पे आपको जितना हो सका ये उतना दिखाएगा। अब सुनो इम्पॉर्टेंट बात यार, अगर इस वीडियो के बाद आप आईफोन लेने का सोच रहे हो, मतलब कि यार 70-80 हज़ार या 90 हज़ार रुपये में, लाख रुपये में आईफोन आ जाएगा और आईफोन भी आ जाएगा साथ में कैमरा भी अच्छा सा हो जाएगा, तो उस पर स्विच करना चाहिए, इसमें दो सूरत हाल हैं। एक ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छा फ़ोन है, आपको सही से काम दे रहा है, तो आईफोन पे पैसे मत जाया करो, एक फ़ोन बेचोगे फिर दूसरा फ़ोन लोगे फिर उससे व्लॉगिंग करोगे, हाँ उसमें ये होगा कि आपका फ़ोन अपग्रेड हो जाएगा साथ में आपको कैमरा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपको वो भी अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि आपके पास जो भी फ़ोन है उसे अपने पास रखो, और अगर इतना आपको आया हुआ है कि 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपया लगाना ही लगाना है, तो फिर पॉइंट एंड शॉट कैमराज आते हैं जो व्लॉगिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। इतना सा कैमरा होता है, छोटे से पिद्दू से सोनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, कैनन के भी हैं, उसका बजट भी थोड़ा ठीक ठाक होगा और आपको कैमरा भी मिल जाएगा जो एक एक्चुअल कैमरा की क्वालिटी आपको देगा। फ़ोन में जितना मर्जी अच्छा कैमरा हो, फ़ोन कभी भी प्रोफेशनल कैमरा वाली क्वालिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। पता नहीं मैं क्या क्या बोला हूँ, मैंने आप नहीं पता यार, आज मैंने वीडियो के शुरू में सलाम किया था, शायद किया था, अगर नहीं किया तो भाई अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, क्या बोल रही ली पब्लिक। अच्छा भाई अगर वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक मस्त सब्सक्राइब, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ओके भाई लोग, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं 1-2 दिन बाद।